भाई आज चल रहे हम डॉक्टर के पास, क्योंकि डम्मी ना करवा दिया, तड़की तड़क एक्सीडेंट, मरवाई गाड़ी या खाड़। हाँ हाँ चलो इब चलना तो पड़ेगा, गाड़ी में भी जा सकते क्योंकि डॉक्टर काफी भीड़ भड़ाके इलाके में रहता है, तो स्कूटी पे ना कह नहीं वहां मंगवाओ मोटरसाइकिल मुन्ना भाई वाली, उसके बैठ कर चलियो। हेलो गाइस, इतना दर्द हो रहा है गाइस कर रहा था पड़ी ना उसमें देखा यहाँ पर हुई थी वो वारदात, मम्मी जी बता रही है डम्मी ने पीछे करवाया सांग जो भी, क्यों आया था मतलब आपके साथ? मेरे साथ है, डम्मी ने घुमान गई थी और फिर एक गाड़ी वाला आवा था, डम्मी तेज भाज लिया उस गाड़ी वाले गल जाके लगी एकदम टक्कर बड़ाक, अभी आपको मम्मी बनवा के लाएंगे सारे पे प्लास्टरी प्लास्टर करवा देंगे ठीक है। स्पेशल टांग टूटते लिया यार, पहले कहूं था मैं यू पट्टा लिया, इसमें खींच को नहीं पाओ, घुमा दिया ना अपने हिसाब से, चल ले तुझे को चलना, आ जाओ कम ऑन आ जाओ, मैं तो जाऊं नहीं आ जाओ कुछ ना, मेरे तक गाली सुनवाओगे आप, सब लोग कहोगे ला भाई कैसा बेटा है ये, हेल्प नहीं कर रहा अपनी माँ की, कुछ नहीं ये एक काल्पनिक घटना है। तू बंद भाई है ठीक है, काल्पनिक पट्टी काल्पनिक घटना है, मजा आ रहा है इतना। हाँ सभी कलाकार हैं यहाँ पे दर्शनीय कलाकार। गाइस सुबह मेरा पैर टूट गया है, देखो एक्सीडेंट हो गया मेरा बड़ी आड़ा, यहाँ से भी फूट गया और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मजे आ रहे हैं, आई एम हैप्पी बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ आ गया आपका स्वागत, कुत्ते ने मेरे को चाय भी नहीं पिलाई सुबह, अभी मैं जाऊंगी ऊपर जाओ। अब डम्मी का दूसरा पट्टा चेंज हो गया, इतना हो रहा ना इसमें समय में, इतना चिकन इतनी पेडिग्री इतने अंडे खुआ खुआ का मैंने ऐसा बना दिया, बाकी भाई इसकी कोई गलती नहीं बेचारेगी, इसको क्या पता था, कुछ नहीं कह सकते, तेरी बगर मैं ना बंद करा करे भी नहीं ना। एक बार टेस्ट को कर लो उसका ना, डमी देख तूने क्या किया, डमी देख देख तूने क्या कर दिया, और पैर रखा नहीं जा रहा, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, पर क्या करें जोड़ा था हो गया, अब क्या कर सकते हैं, लगड़ी थी चोट लग गई, पैर भी फूट गया, देखो थोड़ा सा दिखाऊंगी, ये देखो यहाँ से ये पूरा फूट गया, और ये प्लास्टर मतलब वो बांध रखा है डॉक्टर ने दवाई लगा कर, अभी बोला कि 15 दिन देखते हैं भाई, अगर हड्डी में क्रैक है वो नहीं जुड़ा तो फिर प्लास्टर होएगा, करो इंजॉय जब तक, किसने सोची थी, मैं रात को आराम तो सोई थी कि भाई ऐसे चोट भी लगेगी, लगनी थी लगी, अभी क्या करूँ मैं, पहले चाय पी लूँ, सुबह बिनोद ने तो बनाई नहीं, मैंने पोहा बनाया था चोट लगने के बाद भी, क्योंकि प्रीस आ गई थी स्कूल में, और अभी मैं पोहा खा गया, दवाई लेकर लेटूँ क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना पैर में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सच में। चलो फिर थोड़ी देर में मिलूंगी आप, और किसी ने कोलैब करवाना था अपना सूट लेकर आना था उन्हें भी, अब मैं क्या करूँ, वो चल भी पड़े, मैं मना भी नहीं कर सकती, सुबह बात हो गई थी, देखते हैं भाई करेंगे उनका भी टूटे फूटे जीत से। आंटी ने लगा फ्रिज खुला छोड़ दिया ना, आवाज सी आने लग गई है, अच्छा देखे हुई परला गोटा है, परला किया दिखा लग रहा है, देख लो इसके काम है, दबाओ मत, प्रैंक प्रैंक यो प्रैंक हो या करे, प्रैंक तो मेरी केला हो रहा है, इतना बढ़िया देखिए वो उड़ के तो छिप रही है, लाना पड़ा मेरे को उन लटका रहा है, अरे और शिल्पा के तो लिया हो उनका,
उस साइड में उधर को बीच में खड़े होकर चल लिया कर कुर्सी नहीं के हो कुर्सी ले दो आपने फिर डम्मी भी सही वो क्या मतलब डम्मी ना व्हील चेयर है आए देख ले देख के वो कर रहे हैं मेरी गल मतलब ये भी मैं डम्मी नहीं लाऊं घुमा का वो वाली नहीं आने मम्मी के लिए ऑटोमेटिक उनसी ऑटोमेटिक अच्छा मतलब ये टूटने के बाद भी मैं डम्मी नहीं लाऊं घुमा का वाह देखो जमाना ही सा खराब है अब तो ये पागल भी नहीं सकते इसका परीशा और मेरे वहां मेरे सूट आ रहे हैं कोलैब के उनका कोलैब तू कर देना आज बीनू आज बीनू का करूंगा बीनू आज तेरा कोलैब कर दे सूट का तो भाई उन क्या आ रहे हैं पहले के चोट बेसक लग रही हो जो पहले का वो तो करना ही पड़ेगा उसे ना थोड़ी टाल कर सके हम ओए बैठी बैठी बना दूंगे ना यो सूट आया है उस कलेक्शन के ना यो सूट तो बहुत मजबूत है पट्टे भी नहीं पड़े पीछे देख यू करो सी कर रहा मेरी देख दोनों बाण भाई दे लेन के काम कोई नहीं बेटे देख ले हां मां काड़ा चोट लगी पड़ी टांग टूटी पड़ी अरे तुम आ सो अब मैं तो तुमने देखा श्री अब करते तो कैसे करती है मम्मी या बेरा के करा सुन या बेरा के करा ना फोन नहीं कल तेरी कृष्णा नानी का फोन आ रहा तनु पूछने लग रही बेटी क्या चोट लगी हम मेरी ना फ्रेंड है ना वो ही है मेरे को ये बोली यार मनु इशारे प्लीज सर रुक जा बस की सुन लो मम्मी फिर आज मेरी फ्रेंड ये बोली मतलब इसका थम बैस नहीं जाए तनु को मत चुप हो जा प्लीज एक मिनट नानी पूछने लग रही फिर तू जब बोला जब मैं किसी का फोन पर बात करियो ना जब मम्मा आज मेरे स्कूल में ही होया कल तो तीन बोला या थोड़ी बात होगी पोटी आ रही और देखो इसमें एक गिफ्ट भी आया परीशा के लिए हैशटैग कामनी की विनर थी जो परीशा खोल कर दी है अरवी है अरवी काट दे फिर और करेले भी काट दे अरवी खाओगी अरवी और दाल बनवाते हैं आज तो हमने कुक हायर कर लिया है वो खाना बनाएगा एक महीने तक इस बढ़िया तू नहीं बना देता तू ले ले यार 6-7 हज़ार रुपये एक महीने हाँ मैं तो सोचू परमानेंट ला लूं मैं ठाल पाड़ूंगी मैं ठीक मेल या फिर फीमेल छोटी मैं तो सोचू लाए लूं मैं ठाल पाड़ूंगी ना सही नहीं मेरा तो जी करा खाना बढ़िया लग दे सुंगा था चप्पला में मैंने तो ऐसा लग गया जो 3-3 हज़ार रुपए की चप्पल लेकर भी पाड़ेगा 2 दिन में तो कुछ नहीं कर सकते पड़गी कोड है इसमें कोड है फिर उस तक होगा पट्टी हुई नहीं दे देने में कुत्ती पां के दोरे का लिया है कार्ड का आ इतना दर्द हो रहा है लग नहीं जा रहा ऐसे कर देख भी ना देख यहां पे था ये ऐसे लग गया हां नहीं है बहुत ज्यादा लग गई देखियो बहुत ज्यादा चोट लग गई प्रीसा फिर तू क्या चाहता कती टूट जांदा चकला चूर हो जांदा नो चाहती है तू क्या चाहती ए बुंडी तू क्या चाहती दिख रहे थे कि आपके वहां पर चोट है हां अंधे थोड़े मैं मैं तो जा रहा हूं मेरे बहन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कहीं जा भाई बिनु 10 दिन तो चला जा कम तक हम जा और तो कोई तेरा सुख नहीं अब वो तू ले जा अरे लोटे में लस्सी है वो कर दे वो कल परसों क्यों ना गिर दे जो आज की ताजी लस्सी है वो मैं तो थोड़ी रख बाकी तू ले जा और वो सब्जी दरी वहां भी ले जा भिंडी की दरी भिंडी की तो कल लेगी थी ना हाँ ले जाओ और जो जो दरी है अब तो बोला नहीं मम्मी तू क्या चाहवे तू क्या चाहवे झुंडो सी और ना लिए पकड़ रखा है और मेरी ऐसे का गिलते से गिर गई देख यहां पे थी बिल्कुल ऐसी करती हूं क्या कहते हैं रुक एक तो तसला ले आया तसला तसले में क्या करेगा पैर दोगा मेरे ये गाल का तो ले दे नु कनु दे दे प्लेट लेने फिर जाऊं मैं प्लेट ले दे तू एक चुपचाप ले आ दे कदे ले आवे तोला अरे इससे पेडिग्री खुआ दी फिर येनु पीछा पीछा भूख खंड लाग रे इससे तो खुआ दे आठ तो पहले खराब हो गए चोट लग के और इससे ज्यादा के खराब करूं अरे तेरा लिया क्यों हो गया फिर दूसरा ला ले तू मेरा यार इधर आया था यो तेरा चार्जर अच्छा फिर दूसरा ले आके दे दे मैंने मेरे पास
और ये मेरे पास ही है तब से। ला दे, लगा दे। परीशा बहुत अच्छी बेटी है मेरी, है ना परीशा? बता क्या करना है? क्या करना है? हाँ। अभी बता करना, तो बैठा नहीं कुछ नहीं है। तो गाइस मम्मी खा रही है स्प्राउट सैंडविच, क्योंकि मम्मी खाना नहीं बना सकती, मम्मी के पैर में हो रहा है फटीचर। गाइस बड़ी बैड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और आप सबका स्वागत है मेरे फटीचर चैनल में। अरे मेरा फटीचर चैनल है? फटीचर वो होता है बिल्कुल बकवास है, फटीचर मतलब फ्रैक्चर। मैं भूल गई थी, मेरा चैनल बकवास है परी रानी। मैं तो फिर तूने फिर टीचर क्यों बोला? फिर टीचर मतलब फ्रैक्चर व्लॉग। तो मैं खा रही हूँ स्प्राउट और चीज सैंडविच, क्योंकि पता क्या है, सच बताऊं थार तक मम्मी के पैर बाहर का ना, एक तो बारिश हो गया। इनने तो खा लिया बर्गर, एक ना खा लिया नान, ना मैंने नान पसंद ना मैं बर्गर खाना चाह रही थी, तो मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड सैंडविच मंगवाए हैं और स्प्राउट मंगवाए हैं। और मम्मी की एक बहुत बुरी बात है, मम्मी को 15 दिन बेड पे बैठे रहना पड़ेगा। और अब मम्मी अपना फेवरेट सीरियल भी नहीं देख पाती। नहीं देखना थोड़ी मना, टीवी तो मैं लेटे लेटे देख लूंगी। पर गाइस मैं बहुत 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 बोर एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय कैसे? वाओ, क्योंकि मेरा पेट फटो है यार, एंजॉय तो करेंगे ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा वो कल का व्लॉग था जिसमें मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने एक्सरे करवाया, उसमें क्या आया? फ्रैक्चर। ये आज का व्लॉग है, थोड़ा सा कल सूट हुआ, थोड़ा सा आज हुआ। तो अभी आपको मेरे टूटे हुए पैर के साथ टूटे फूटे व्लॉग देखने को मिलेंगे। आप मेरे टूटे फूटे व्लॉग देख के एंजॉय करना, जो जो कैप्चर होएगा सीन में वो कैप्चर करके उसके अंदर अपने फोन के अंदर एडिटिंग करके आपको दिखा दूंगी। आप खुश रहना और जैसे मैं एंजॉय करूं वैसे एंजॉय करना। मेरे पैर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन मैं फिर भी नहीं रो रही, फिर भी मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि गाइस मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि मम्मी के पास एक भी काम नहीं है करने को। ये सुबह मैंने ना दूध लिया, पैर टूटे हुए मैं, दूध वाला आ गया, फिर रामू आ गया कपड़े लेकर, प्रेस के वहां लेकर रखे, फिर ओट्स बनाया अपने लिए, फिर दवाई ली, फिर दवाई लेकर थोड़ी देर के बाद चाय पी। और इससे ज्यादा और क्या काम करूंगी, और खुद अकेले बैठ के ऐसे मतलब बैठा भी नहीं जा रहा था, फिर भी ना आई मैं। नहीं खाना, मैंने तो बर्गर पा दिया, इतना मोटा, मम्मी का जितने मोटा। मैं मोटी हूँ ऑफ कोर्स ना भाई। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच में अपना टूटा फूटा पैर लेकर, क्योंकि बात पता ही है, 2-3 दिन से कपड़े आए हुए रखे हैं। अगर किसी के कपड़े आए हैं तो दिखाना तो जरूरी है एक बार आप लोगों को। और जो ये सूट आए हैं इतने ज्यादा प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग है जो आजकल चले हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी करवा स्टार्ट होने वाला है, दीपावली भी आएगी, नवरात्रे भी आएंगे, इतने सारे फेस्टिवल आएंगे, तो आप भी ले सको और शॉपिंग कर सको। तो पहले मैं चैनल का नाम बता देती हूँ, इनका चैनल यूट्यूब पे है सुमन क्लोथ हाउस के नाम से, आईडी और फोन नंबर वीडियो के नीचे मैं मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको ये सूट पसंद आते हैं तो आप उनको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर डायरेक्ट कॉल करके अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, तो पहले तो मैं ये दिखाऊंगी, ये देखो ये येलो कलर है, और ये दूसरे वाला जो लेमन हम बोलते हैं, लेमन कलर का सूट है ये। अब ये बार पूरा खोल कर दिखाती हूँ, और जब वो मेरे लिए लेके आए तो ये सूट देखते ही पसंद आ गया था, और पसंद उनकी बहुत अच्छी है, उनके पास सूट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक से एक अच्छा सूट है। तो ये देखो दिखा देती हूँ मैं एक बार खोल के, और ये है प्योर ऑर्गेंजा में, आजकल ऑर्गेंजा चला हुआ है, ये देखो इस पे पूरे व्हाइट कलर के मोती लगे हुए हैं सारे पे, और जरी का भी काम है। ये इसकी बाजू आएंगी, एक बाजू इधर होगी, एक इधर होगी बाजू, तो ये देख लो आप, ठीक है, ये पूरा आ गया इसका, ये फ्रंट है, ये बाजू है, उसके बाद आओगी बॉटम, बॉटम देखो, ये है एक डिजाइनर सूट, बहुत अच्छा डिजाइनर सूट है,
ये कलर ये है माइंट। हाँ, और ये है इसकी बॉटम। अब कई बार आपने देखा होगा ना, येलो के साथ कोई रेड अटैच कर देता, कोई कलर ब्लैक वगैरह कर देता, लेकिन ये कलर सबसे ज्यादा प्यारा इसके साथ कंट्रास्ट में लग रहा है। ये देखो जो ये पैच यहाँ पे बनाए हुए हैं पिंक कलर के, वो सेम बाजू में दिए गए हैं, और ये ही नीचे बॉर्डर दिया गया है। ये इसकी बॉटम आएगी, बॉटम पे भी काम है इसका और बाजू पे भी काम है। ये इसकी बॉटम होगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके दुपट्टे की। ये देखो जो इसका दुपट्टा है, फिर वो जो बॉटम है वो कलर भी है इसके अंदर, और जो हमारा सूट का कलर है वो भी है इसमें, ब्लू येलो और ग्रीन। हाँ, और दूसरा जो इसमें फिर गोटे का काम है वो सारा, इस पे लेस भी लगी हुई है और पूरा गोटा लगा हुआ है। इतना प्यारा सूट है, वही पैर बेस से टूट गया वो तो सूटा का, वो थोड़ी जाओगा क्रेज दी, वो तो सूटा का तो रहेगा। देखो सूट तो पहरे सकते हैं, अब मैंने जल्दी सिलना देऊंगी। तो एक तो ये सूट आया है सुमन क्लोथ हाउस से, बहुत प्यारा सूट है और इतना अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है ना। एक तो ऑर्गेंजा होता है जो चुभता है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, ना इसकी बॉटम चुभने वाली है ना ये चुभने वाला, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है और बिल्कुल अलग डिजाइन है, अलग सा कलर है। तो थोड़े थोड़े जाके इसकी तो शॉपिंग कर लो, जो वो लग रहा है ना दीदी आपके सूट अच्छे होते कहाँ से लिए कहाँ से नहीं लिए, तो अब की बार ये सुमन क्लोथ हाउस से ले रखा है, तो जल्दी कर लो आप भी ऑर्डर, क्योंकि उनके पास सच में बहुत प्यारे प्यारा कलेक्शन आया, बहुत अच्छे अच्छे सूट है। और ये देखो ये भी इतना कलर है, मतलब अलग कलर है। इसको कहते हैं, इसको इस कलर को कहते हैं कोलार। कोलार वही अंग्रेजी कलर पर रिसा बताओगी। अब ये देखो इसमें ये मिरर का वर्क है पूरा। अभी ये पिंक या पीच है, पीच कलर है नहीं, कोलार। कोलार नया कलर है ना। अच्छा ये कोलार है भाई, जो प्रीशा कह रही है बेरा नहीं कौन से कलर ना कोलार का वह है। और इस पे ना पूरा मिरर का वर्क है, साथ में गोटे का वर्क है, और इसके साथ जो कंट्रास्ट करा हुआ है इस कलर के साथ सबसे अच्छा कंट्रास्ट लगता ब्लैक कलर, वो इन कर रखा है। ऐसा मतलब डिजाइनर सूट है यो भी, और ये भी ऑर्गेंजा में, और वो है सॉफ्ट वाला ऑर्गेंजा, बहुत प्यारा सूट है। इस पर आप अगर ब्लैक कलर की साइड में से वो लगवाओगे ना पाइपिंग निकलवाओगे, मैं पाइपिंग निकलवाऊंगी इसमें ब्लैक कलर की साइड में और नीचे और बाजू के ऊपर, इतना प्यारा लगेगा एकदम मस्त कलर का। नीचे पीछे गले में भी ब्लैक कलर की, और ये है इसकी बॉटम। ये सारा प्योर ऑर्गेंजा है, उसमें भी ऐसे है सेम सारा कुछ ऑर्गेंजा। ये इसकी बॉटम है, आप इसके साथ पैंट बनवाओ या आप सलवार बनवाओ वो आपकी पसंद है। फिर ये बात करेंगे हम इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा भी ऑर्गेंजा में है। ये देखो इतना प्यारा दुपट्टा है, सुंदर ये दुपट्टा, मेरे को एक और बार दे दो। परीसा ने तो चाहिए, देख लो ये देखो ये है इसका दुपट्टा, तो ये डिजाइनर सूट है। ये देखो सिलने के बाद इतना प्यारा लगेगा। अब फंक्शन इतने आ रहे हैं, कहीं शादी का भी आओगा फेस्टिवल है, तो उनमें एक नंबर के सूट है। मैं तो सही बताऊं, मैंने तो दोनों तो पसंद आए हैं, उनका कलेक्शन देखा, मैं सही बताऊं उनका कलेक्शन देखा, एक तय एक बढ़िया सूट है। कति ईसा नहीं है कि आप देखोगे आपने कोई सूट पसंद नहीं, मैंने तो बहुत सारे पसंद आए थे, फिर ये दो सूट मैंने सिलेक्ट करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूट है। तो आप एक बार जाओ सुमन क्लोथ हाउस पे, उनके चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जब भी मैं नया कलेक्शन लेके आवे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपने पता लग जावे। तो ये दोनों सूट भी सुमन क्लोथ हाउस पे आए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे सूट है ना। अब इब तो मैं थोड़ा पैर मेरा ठीक होने दे, उसके बाद तो और भी शॉपिंग करूंगी उनके उस पर। मम्मी को ना सिर्फ सूट की शॉपिंग लगी रहती है। हाँ मैंने सूट ऐसे नहीं कोई ड्रेस वगैरह खरीदू ना, मैंने ड्रेस इतनी पसंद नहीं भाई, मैंने है सूट, मैं देसी हूँ और देसी पसंद है, मैंने देसी रहना खाना, मैंने तो चटनी रोटी पसंद है और सूट पहनना पसंद है, चाहे बेशक मेरा पैर टूट रहा हो पर मैं सूट पहनने फिर भी नहीं छोड़ दूंगी। तो मैंने ये दोनों सूट उड़े तलिए हैं सुमन क्लोथ हाउस पे तय, और ये और उन्ना भाई भेजा है, ये मैंने खोल लिया नहीं है, ये खोल लिया था, इसमें बैंगल्स है मेरे लिए, ये देखो वाओ कितने सुंदर बैंगल्स है देखो, और ये इसके ये बहुत प्यारे है ना उसके है। हाँ, देखना कितनी सुंदर लग रही है। और एक ये देखिए, और ये मैं खोल लेंगे, ये मैं थारे आगे खोल कर देख लू एक बार के है इसमें, देखा कभी। अरे ये क्या चीज है भाई,
भाई देखते हैं, देखो ये मैंने खोला नहीं है। अच्छा ये तो गले का नेकलेस है, ये देखो ये तो मेरा है। अरे भाई तू ये पहन ले, परेशानी कुछ भी छोड़ दिया आज कल मेरा। मेरा तो मेरा, ये देखो मेरा ही लग रहा है। और ये देखो कितनी प्यारी झुमकी है साथ में। झुमकी आपका ये फिर से। और एक आया है यो, ये दोनों ये सूटा के साथ। ओहो ये तो बहुत प्यारा परीशा, क्या कितना प्यारा, देखिए ये देख दे ये देखो। और ये इसके वो है टॉप्स, ये तो हम पहन भी सकते हैं आप। हाँ ये भाई सही में बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अच्छा सारा सामान भेजे उन्हें, गले के तोर भी प्यारे हैं। और एक एक ड्रेस वो लेके आए थे परीशा के लिए, बहुत प्यारी ड्रेस है परीशा के लिए। है थोड़ी लंबी है परीशा, लेकिन बहुत प्यारी है। तो भाई ये सब सामान आया है मेरे लिए सुमन क्लोथ हाउस से। सूट बहुत प्यारे हैं उनके पास, मैंने खुद उनका कलेक्शन देखा है। और दिल से धन्यवाद भाई आपने जो इतने अच्छे सूट भेजे हैं परीशा के लिए भी, वेरी वेरी थैंक यू। मेरे लिए ये नेकलेस वगैरह भेजे हैं, बैंगल्स भी भेजे हैं। तो ये सारे जल्दी जल्दी जाओ सुमन क्लोथ हाउस ने कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपने पता लग जाए जो भी मैंने सूट ले गया। एक नंबर के सूट है, जिस जिसने करवाए की शॉपिंग करनी है तोड़े तोड़े बात जाओ सुमन क्लोथ हाउस पर। अरी बग मैं और भी लेऊंगी, तो इन्हें सिलने दे हूं, क्योंकि मैं पैर का रील नहीं बना सकती ना। जब तक मेरा पैर ठीक होगा सारे ने सिलवा के धरलू और फिर बनाऊंगी रील। भाई पैर में सच में बहुत दर्द हो रहा है। और लेकिन पता क्या, अभी ये इतने प्यार से देखो किसी ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा, कोई सामान भेजा है, तो मेरा भी फर्ज बना उनके चैनल के बारे में बताना, उनके कलेक्शन के बारे में बताना, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। बाकी मेरे पैर में सच में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मैंने तीन तीन बार दवाई लेनी पड़ रही है। तो आज का जो मेरा व्लॉग था यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मेरे व्लॉग ऐसे आते रहेंगे भाई, टूटे फूटे पैर को लेके जो भी टूटे फूटे व्लॉग हैं आप लोगों के साथ आ जाएंगे। तो अभी मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, और अभी दवाई लेके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। तो सूट बहुत अच्छे है, और भाई ये जो सारा सामान ये भी बहुत अच्छा है, बस मैं अच्छी नहीं, मेरा पैर टूट गया। आप अच्छी नहीं, आपका पैर अच्छा नहीं है, मेरा पैर टूट गया, अब मैं कैसे रील बनाऊंगी डांस की, अब मैं कैसे डांस करूंगी। अरे क्या करूं, पहली बात तो ये होती है, ये वाली होती ना कि ये वाली तथैया हो तथैया, मैं तो नाचूंगी तो नाचूंगी। ठीक है जी, मैं तेरी वीडियो होगी मैंने देखे जाओगे के, राम राम बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थर तक बाय, ले लो तोड़े तोड़े जाकर आ जाओ जाओ।